यार आज मेरा ना शूट था और मैंने एक शॉर्ट फिल्म में विलन का करेक्टर प्ले कर रहा हूँ, तो आज उसके लिए मेरा सीन शूट होना था। और जैसे वो मूवीज़ में होते हैं ना, वो जो सुपरस्टार होते हैं और जो स्टार जो सेलिब्रिटीज हमेशा लेट आते हैं सेट पे, तो उसी तरह मैं भी आज सेट पे लेट ही जा रहा हूँ। 9 बजे का टाइम था लेकिन 9:20 हो गए और अभी मेरी आँख खुली है। अभी मैंने तैयार वगैरह होना है, फिर मैंने जाना है और फिर मैं सेट पर पहुँचूँगा। तो मतलब मैं 2-3 घंटे लेट ही जा रहा हूँ। तो मैं भी कह सकूँगा कि अब मैं भी सेलिब्रिटी हूँ क्योंकि मैं भी सेट पर लेट जाता हूँ। और अभी ना मुझे एक तो आँखें भी नहीं खुल रही सही से क्योंकि बहुत ज़्यादा सोया हूँ। वैसे आज मैं मज़ा आ गया, काफ़ी दिनों बाद इतना सोया हूँ। तो अभी मुझे ना समझ नहीं आ रहा मैं क्या पहनूँ, क्या पहन के मैं जाऊँ। क्या मेरा ना विलन का करेक्टर है, मुझे आप लोगों ने पहले भी विलन के करेक्टर में देखा था, बट इस बार भी सेम विलन ही देखोगे। और इस बार काफ़ी थोड़ा चेंज है, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या पहनूँ, इतना सब कुछ है। और देखता हूँ मैं क्या। यार कोई कपड़े मिले या ना मिले, लेकिन ये मैंने ना अपने अलमारी की हालत देखे, मैंने क्या से क्या कर दी। हालांकि तो मेरे वैसे बहुत कम कपड़े हैं इनमें, और इसकी ये नीचे देखते हैं इतनी गंदी हालत हो गई है। और वैसे मैंने ना ये शर्ट सेलेक्ट की है कि ये शर्ट पहन लूँगा, और साथ में मैंने सोचा है कि ये हैट पहनूँ। लाइक हैट अगर मेरे पास ब्लैक होती तो मैं पूरा का पूरा ब्लैकिश कर लेता, लेकिन हैट मेरे पास ये इस कलर में, तो मैंने सोचा कि मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा कलरफुल कर सकूँ। वैसे ये जो शर्ट मैंने पहनी है ये भी मैं पहन सकता हूँ इसके ऊपर, अगर मैं इसको ओपन रखूँ ऐसा भी मैं कर सकता हूँ। और मैं ट्राई कुछ ऐसे ही करूँगा कि लाइक वो कलरफुल हो और ज़्यादा से ज़्यादा कलरफुल हो। चलो देखते हैं मैं क्या करता हूँ। तो यार फाइनली मेरा कॉस्ट्यूम रेडी हो गया है। ये जो है ये शर्ट मैं पहनूंगा, ये हैट लूंगा, और साथ में ये जो पैंट है और इस शर्ट को मैं ओपन रखूंगा, और इसके नीचे मैंने पहनी है ये वाली शर्ट। अभी ये मैंने इसके ऊपर वैसे ही पहन ली है, सिर्फ देखने के लिए पहनी थी। और अभी मैं इसको नीचे वाली शर्ट तो खैर रिमूव कर दूंगा, उसके ऊपर वो पहनूंगा। तो जल्दी से तैयार होते हैं और उसके बाद फिर मिलते हैं। ओके, अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हो तो आपको इस टॉपिक से याद आ चुका होगा, वो बोला हाजी साहब का कैरेक्टर जो मैंने प्ले किया था। काफ़ी मुश्किल से मैंने वो वीडियो बनाई थी, लेकिन मुझे उस वीडियो का कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया आप लोगों ने। तो अगर चाहो तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इधर भी पॉइंट आउट कर दूंगा, तो उस वीडियो को भी दोबारा देख लेना। तो यार फाइनली मैंने चेंज कर लिया है, बस शूज़ पहनना रह गया है, और मैंने कपड़े जो है वो पहन लिए हैं। अभी नाश्ता करते हैं, फिर शूज़ पहनते हैं और फिर निकलेंगे। अम्मी ने आज बड़े ही मज़े का ऑमलेट बनाया है, और साथ में ये पराठा घी लगा हुआ है, बहुत ही मज़े का। और लस्सी, मज़ा आ जाता है जब लस्सी पियो और पराठा खाओ, उफ़। तो यार मैं यूनिवर्सिटी पहुंच गया हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ हॉस्टल्स वाली साइड पे, और देखते हैं कि क्या होता है आगे लोग। तो गाइस हम लोग अभी जा रहे हैं सेट की जानिब। तो यहाँ पे ये कच्ची रोड है और ये टेंकी है, इसके नीचे हमारा सेट लगा हुआ है, और वहाँ पे हम जाएंगे और हम अपना जो सीन है आज का वो हम शूट स्टार्ट करते हैं। हेलो यार, हम लोगों ने अपना एक सीन कंप्लीट कर लिया, अभी हम लोग रेस्ट कर रहे हैं, और साथ में ये एक्वाफिना का ब्रांडेड पानी पिया जा रहा है, से बना है। बिल्कुल नेचुरल है, जो टूटी से बना है भाई, टूटी से, कोई एक्वाफिना नहीं है, मैं गरीब है हम। और साथ में बंदू खान से नाश्ता लेने गए हूँ मैं, दो पार्टनर नाश्ता करेंगे हम लोग साथ में। इतना भी सच नहीं बोला था तो पैर को नाश्ता कौन करता है? हम करते हैं भाई। यार आज का दिन जो है वो खत्म हो गया है, और ये इस वक्त मैं अंधेरे में हूँ, मैं अभी बस घर जाने लगा हूँ, हॉस्टल से निकला हूँ, और तो फिर जाता हूँ घर और जाके आराम करता हूँ। काफ़ी ज़्यादा मैं थक चुका हूँ आज के दिन में, सीन भी शूट किया और जो मेरा सीन था ना मूवी में वो तकरीबन आज मुकम्मल हो गया। अब मुझे पता है आप लोगों को ये वो लोग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक भी करना, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।